हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली एकदम एक्सक्लूसिव, बहुत ही मज़ेदार, जहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ वो एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोडक्ट एक फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ में, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो वो आ जाता है हमारा Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Mi 10 5G स्मार्टफोन, बहुत ही कमाल का है, फ्यूचरिस्टिक फोन है। और साथ ही हम देखेंगे इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या हमें इसमें बॉक्स कंटेंट देखने मिल जाता है, और साथ में जानेंगे इस फोन के क्या स्पेक्स इसको ऐसा कमाल और फ्लैगशिप फोन बना देते हैं। तब तक के लिए चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जोर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी अपडेट्स और लेटेस्ट अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पे मिलता रहता है। ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, जो कि न्यू लुक टिपिकल ब्लैक स्टाइलिंग में देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है बड़े से लेटर में 10 और नीचे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन का 865, जो कि एक 5G प्रोसेसर दिया गया, बहुत ही कमाल का। Xiaomi की ब्रांडिंग है और यहाँ कॉर्नर में गोल्ड कलर के लुक में दिया गया है 108 मेगापिक्सल AI सुपर कैमरा। तो फटाफट से लीड को करते हैं ओपन और देखते हैं अंदर में कंटेंट वगैरह क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हमें एक कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जहां पे हमें कुछ शायद हमें कवर वगैरह देखने को मिल जाएगा और रीडिंग मैनुअल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं सिम टूल्स दिया हुआ है सिम इजेक्ट करने के लिए, और साथ में एक हमें ये कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत ही कमाल का है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि हमें ये एक कनेक्टर देखने मिल जाता है, क्योंकि इसमें जैक नहीं दिया गया, तो ये हमें टाइप सी टू 3.5mm जैक का कनेक्टर देखने मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ ही हमें जो ये रीडिंग मैनुअल्स वगैरह देखने मिल जाते हैं, बहुत ही कम दिए गए, सिंगल मैनुअल्स दिया गया है। और साथ ही हमें ये केस देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड केस दिया गया है तो TPU टाइप का केस है, बट ये जो केस है ये थोड़ा हार्ड केस है, मतलब अभी तक ऐसा केस जो है Xiaomi के किसी भी फ़ोन में नहीं आया। तो केस बहुत ही अच्छा दिया गया है फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था इसका ओपन बॉक्स, और साथ ही जो है हम देखते हैं नीचे की तरफ में हमें एक फ़ोन देखने को मिल ही जाता है, तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं नीचे की तरफ में क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो नीचे की तरफ में दिया गया ये एक अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है 30W का अडेप्टर ब्रिक बहुत ही बड़ा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, जिसका आउटपुट है 30W का आउटपुट, फास्ट चार्जर अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। और साथ में हमें देखने को मिलता है ये एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जो कि रेड कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, रेड और ऑरेंजिश टाइप का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि फोकस करा होगा, बहुत ही कमाल का लुक देता है ये, एक थोड़ा सा अच्छे लुक के साथ में आ जाता है। तो बात करते हैं अब सीधे हम फोन पे आते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट लुक को। तो सबसे पहले हम रिवील कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं इसके रैपर को, अब हम रिवील करते हैं इसके बैक लुक को। तो बहुत ही कमाल का है फिनिश, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम स्लीक और एकदम स्लिम डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पर हमें फ्रंट और बैक की तरफ हमें पूरा ही कर्व्ड बॉडी देखने को मिल जाता है, जो कि कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास से जो है प्रोटेक्ट किया गया, बहुत ही कमाल का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और साथ में हमें स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, मतलब यार फील बहुत ही कमाल का है, मतलब यार सच में पैसे लगते हैं यार, बहुत ही कमाल का, मतलब प्रीमियम लुक आ रहा है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें देखने को मिलता है, मतलब ये Xiaomi का पहला फ़ोन है जो कि 108 मेगापिक्सल के साथ में आता है, और इंडिया में सबसे महंगा फ़ोन है, प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक फोन को करते हैं बूट फटाफट से, और तब तक बात करते हैं इसके और भी अदर स्पेक्स वगैरह की। तो यहाँ पे हमें ऑन एंड ऑफ के बटन देखने मिल जाते हैं, और उसके ऊपर में हमें देखने मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, इधर आपको इंफ्रारेड वगैरह देखने मिल जाता है, स्पीकर वगैरह देखने मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का दिया गया है। और साथ ही जो है लेफ्ट साइड हमें जो है पूरा ही क्लीन फिनिश देखने को मिल जाए, और नीचे की तरफ देखें तो नीचे हमें स्पीकर देखने मिल जाते हैं, माइक्रोफोन दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और उसके साथ में हमें देखने को मिल जाता है ये सिम ट्रे, जो कि देख लेते हैं क्या हमें देखने को मिल जाता है, डुअल सिम ट्रे देखने मिल जाती है, जो कि हाइब्रिड भी नहीं है, सिर्फ आप जो है इसमें डुअल सिम लगा सकते हैं। तो ये आप क्लोजली देख सकते हैं, ये एक डुअल सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो फ्लैगशिप लेवल का फोन है, तो उसमें SD कार्ड का ट्रे देखने को वैसे भी नहीं मिलता, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं ये है ऑलरेडी प्री लोडेड MIUI 11 के साथ में, बहुत ही कमाल का, फटाफट से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, फोन कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं कितना कमाल का 3D कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसका लुक बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं स्मूथनेस कितना दिया गया, तो स्पेक्स की मैं बात करती हूँ, इसमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ में, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, पंच होल डिस्प्ले दिया गया, HDR10+ का सपोर्ट है, रिफ्रेश रेट की मैं बात करूँ तो 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और लग भी रहा है, स्मूथनेस देख सकते हो आप, इतना कमाल का स्मूथ दिया गया, मतलब एकदम अल्ट्रा स्मूथ दिया गया है। और साथ में ऊपर की तरफ इस तरह के नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और इसमें मैं 100 निट्स का हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने मिल जाता है। अभी आप ब्राइटनेस देख सकते हैं, मैं जो है इसको ब्राइटनेस अभी आप सेट हो रखा है इतने पे, मैं इसको जो है कम करता हूँ, उसके बाद मैं आप एकदम एक्स्ट्रा कर देता हूँ, जब आप देख सकते हैं
एकदम ओवर ब्राइट हो जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा ब्राइटनेस है कि आप जो है सन में भी आप लेके निकलेंगे तो भी आपको कोई भी ब्राइटनेस को लेकर कोई भी इशू नहीं फेस होने वाला। साथ ही हम बात करते हैं इसमें और भी सेटिंग्स वगैरह की, तो सेटिंग्स में चलते हैं देखते हैं क्या क्या हमें स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो अबाउट फोन दिए गए इसमें है प्री लोडेड MIUI 11 के साथ में, जो कि है एंड्रॉयड 10 के साथ में आ जाता है, बहुत ही कमाल का दिया गया। स्टोरेज दिया गया 128 GB और रैम दिया गया 8 GB रैम का देखने मिल जाता है। बात आती है प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें दिया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि सच में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ में आता है, मतलब बहुत ही कमाल का स्मूथ है। और ये 5G सपोर्टेड फोन है, तो मतलब आपको कहीं पर भी फ्यूचर में कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ ही बात करते हैं इसके कैमरे के सेटअप की, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। मेन लेंस जो दिया गया वो है 108 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है, उसके साथ में दिया गया 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अगर एक ये मैक्रो की जगह जो एक टेलीफोटो लेंस डाल दिया होता तो सच में एक परफॉर्मेंस जो होने वाली थी वो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली होती। बाकी जो 108 मेगापिक्सल तो दिया ही हुआ है, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। और आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक भी कितना सुपर फास्ट वर्क करता है। कैमरे के स्पेक्स में जाता हूं तो इसमें हमें बहुत ही कमाल के फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि मतलब आपके फोटो को और भी ज्यादा इनहेंस कर देंगे। 108 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो बहुत ही कमाल का है। मैं आपको शॉट्स वगैरह सामने दिखा रहा हूं इसके 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे के, और साथ ही जो है सेल्फी कैमरे की मैं बात करूं तो यहां आप देख सकते हैं यहां हिडन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के लुक के साथ में है। बहुत ही कमाल का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है। कैमरे क्वालिटी में कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है, साथ ही जो है परफॉर्मेंस में भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं, मतलब आपको जो है जो लेटेस्ट प्रोसेसर देखने मिल जाता है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और साथ में स्टीरियो स्पीकर देखते हैं, मैं अभी आपको स्पीकर के साउंड भी सुना के दिखाता हूं। साथ ही जो है फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग दिया गया, ये आप देख सकते हैं, मैं फटाफट से इसको जो है अनलॉक कर लेता हूं। ये आप देख सकते हैं सुपर फास्ट दिया गया, मतलब स्मूथनेस कहीं पे भी कोई लैक नहीं है। साथ ही हम ऐप्स वगैरह देखें तो हमें इसमें ऐप्स वगैरह, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा कि हमें ब्लोटवेयर्स बहुत ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। और यार एक ये मतलब 50,000 वाले फ़ोन में आप जो है ये क्रेजी जूसर और ये ब्लॉक पजल ये सब गेम के ब्लोटवेयर दे रहे हो, ये एक ब्लोटवेयर है यार। कम से कम शॉमी से ये रिक्वेस्ट है यार, 50,000 के फोन में कम से कम ब्लोटवेयर देना तो बंद कर दे, वो भी एक सस्ते वाले, कम से कम पबजी वाले लोडेड दिए होते तो सच में कमाल का होता, लोड करना पड़ेगा पबजी। बात करते हैं और भी स्पेक्स वगैरह की, तो इसमें हमें 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले दिया ही गया अंडर डिस्प्ले, और साथ ही जो हमें 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और शाओमी का अलग से एक 30 वॉट का वायरलेस चार्जर आता है, अभी इंडिया में आया नहीं है, आ जाएगा इन प्रोबेबली फ्यूचर आ ही जाएगा, और इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है और रिवर्स चार्जिंग 10 वॉट का भी हमें देखने को मिल जाता है। बात आती है मेन बैटरी की, तो इसमें हमें बैटरी देखने को मिल जाती है 4780 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, जिसका बैकअप आप सोच सकते हैं 4780 मतलब 4800 mAh की बैटरी दी गई, तो बैकअप तो आपका लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है। और आप जो इसके मेन कैमरे से जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि आप जो है इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ही कमाल का कॉम्पैक्ट पैकेज है और एकदम स्लीक डिजाइन है, मतलब जो इन हैंड फील होता है ना वो सच में एकदम सुपर प्रीमियम होने वाला है, मतलब एक प्रीमियम फील होने वाला है। डिवाइस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, साउंड में फटाफट से चेक करता हूँ, बहुत ही कमाल का फील आ रहा है, मतलब इनहैंड जो फील होता है वो बहुत ही कमाल का है, मतलब जब आप होल्ड करते हैं इस तरीके से गेमिंग वगैरह जब आप करेंगे तो यार सच में एक्सपीरियंस जो होने वाला वो बहुत ही कमाल का होता है। बात करते हैं हम इसकी प्राइस की, इसके प्राइस और वेरिएंट की, तो इसमें हमें दो वेरिएंट देखने मिलता है, जो कि एक है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 49,999 rupees का वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 54,999 rupees का। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूं, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूं कि इसकी प्राइसिंग को लेकर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर इसकी प्राइस 50,000 है तो कम से कम यार कैमरे में एक टेलीफोटो लेंस तो जरूर देता है यार, मतलब एक टेलीफोटो लेंस होता ना सच में मैं सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ चलो ठीक है 50,000 का फोन है तो मजेदार होगा, क्योंकि 3D कर्व्ड ग्लास दिया गया, लुक बहुत ही कमाल का दिया गया, तो
पहला फोन है, एक एंट्री किया है Xiaomi ने कि जो है एक ये 50,000 का फोन लॉन्च किया है। और अगर आपको ये फोन परचेस करना होगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएगा यहाँ लोकल के लिए कि अगर आपको यहाँ लोकली नौतनवा में परचेस करना है तो यहाँ जाके आप Xiaomi के स्टोर में जो कि मोबाइल प्लेनेट के नाम से है वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। अवेलेबल है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी अनबॉक्सिंग आपको आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, ईयरबड्स है, ईयरफोन्स वगैरह देखने को मिलेंगे आगे और भी वीडियो में। तो बहुत ही कमाल का फोन है, फोन से मैं अनसेटिस्फाइड नहीं, मतलब फोन तो नेक्स्ट लेवल का है, पूरा लुक बहुत ही कमाल का एकदम अमेजिंग लुक के साथ में आ जाता है। तो फोन का एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच, एकदम फ्लैगशिप लेवल का है। उम्मीद करता हूं ये अनबॉक्सिंग वीडियो Mi 10 5G स्मार्टफोन का आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो एक थम्स अप लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे आना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।